लेकिन मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊँ जो बड़ी सादा सी बात है कि जमशेद एक बहुत ही मासूम इंसान थे। वो जैसे कैरेक्टर्स करते थे ज़ाहिर है वैसे अहमक तो नहीं थे क्योंकि अहमक बनते थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत मासूम और सच्चाई से भरा हुआ इंसान था और इसीलिए वो ज़माने के साथ उतनी तेज़ी से चल नहीं सके। बहुत सी जगहों पर मैंने देखा जमशेद को नाकाम होते हुए। बहुत क्वालिफाइड आदमी थे, बहुत ख़ानदानी आदमी थे, बहुत अच्छा ख़ानदान है उनका माशाल्लाह, और बहुत सुलझे हुए, बहुत लिए दिए, बहुत एक उनके अंदर एक बेसिक लेवल की डिसिप्लिन थी। लेकिन वो इस दुनिया की जो कारोबारी और जो ज़ाहिर है स्ट्रगलिंग चीज़ें होती हैं उनके अंदर बहुत सी ऑड्स के ख़िलाफ़ आपको लड़ना पड़ता है, मुझे जमशेद उसमें बहुत जगह फेल नज़र आए, क्योंकि जमशेद जो काम शुरू करते थे वो उनसे नहीं चलता था, क्योंकि एक फेयर और मासूम आदमी जो है वो इस तेज़ ज़माने का नहीं मुकाबला कर सकता। तो मैंने हमेशा उनको स्ट्रगल करते हुए देखा और हमेशा बहुत पॉजिटिवली मुस्कुराते रहे। कभी मैंने ये नहीं देखा कि जमशेद कहें कि बस मैं यूँ हूँ, मैं ये हूँ। जब देखो अरे भाई कैसे हो, फर्स्ट क्लास, वो एक एनर्जी से भजी भरा हुआ जो एक एनर्जेटिक सा रवैया होता है वो मैंने हमेशा देखा जमशेद में। यहाँ तक कि उनकी डेथ से कुछ हफ्तों पहले मैं उनके पास गई थी उनको मिलने, उनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया था और उनकी एक आँख का विजन भी चला गया था। तो मैं गई, मैंने कहा अरे जमशेद कैसे हो, ये वो फलाना गप्पे शप्पे। उसके बाद एक आँख से तो मुझे कह रहे हैं सामने आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें और इकबाल को एक ही आँख से देखना चाहता हूँ। मतलब वो एक तबीयत के अंदर जो फन लविंग एटीट्यूड था, या तकलीफ़ और दुख से इंसान दुखी तो होता है ना। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग फ़नी काम करते हों वो हर वक्त फ़नी रहते हों, लेकिन अपनी तकलीफ़ें, अपने प्रॉब्लम्स अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने देखने वालों से छुपाना बहुत मुश्किल काम होता है। और जमशेद को मैंने हमेशा ही देखा कि कभी उन्होंने अपनी कोई मुश्किल शेयर नहीं की, कभी हमसे ये नहीं कहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ। ये कहते थे हाँ भाई मैं नाकाम आदमी हूँ भाई, हंसते हुए, यार मुझसे नहीं हुआ, फलां काम शुरू किया था मुझसे नहीं हुआ। तो मैं एक जगह पे आके अब ये समझती हूँ कि अल्लाह मियाँ जो हैं वो मासूम और प्यारे लोगों को बहुत जल्दी बुला लेते हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ को वो भी प्यारे लगते हैं। अल्लाह ताला करे कि जमशेद जहाँ हों बहुत अच्छी जगह, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह के बहुत करीब जो लोग हैं उनमें जमशेद होंगे। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैम ये बताइएगा कि उन्होंने जैसे जो उनके मशहूर किरदार हैं, तो अंकल कहीं उनका बड़ा मशहूर किरदार है, अंकल उर्फी उनका बड़ा मशहूर किरदार है, जब वो इस तरह के किरदार तख्लीक करते थे और आपका भी जाहिर से पीटीवी में बहुत ज़्यादा साथ रहा, क्या उनका मेथड होता था इस तरह के किरदार तख्लीक करने का? देखिए किरदार जो है ना वो राइटर तख्लीक करता है और डायरेक्टर उनको आर्टिस्ट को ब्रीफ करता है, फिर आर्टिस्ट उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके और तीसरी जो फाइनल शक्ल है उसमें लेके आता है। तो मेरा ख्याल है कि तख्लीक तो कहना नहीं बनता, लेकिन जो एक रॉ मटेरियल होता है आर्टिस्ट उसको राइटर और डायरेक्टर मिलके बनाते हैं। तो हसीना मोइन साहिबा की क्या बात है, और मोहसिन अली साहब थे और बहुत से मुख्तलिफ खेल थे उनके, शीरी मरुआ ने भी किया था, फिर ज़हीर खान साहब ने भी किया था। तो जमशेद के अंदर ये अडॉप्टेबिलिटी थी कि उनको जो रोल दिया जाता था और उनको जैसे ब्रीफ करते थे वो उसको उससे भी मज़े का कर लेते थे। और फिर ये भी होने लगा था कुछ एक आध के बाद कि हसीना मोइन साहिबा उनको जहन में रख के लिखती थी तो वो और आसान हो जाता था, जब कुआ मेरे पास उन्हें पता था ये बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ये है कि कोई मेथड नहीं हमेशा हुआ करता कामयाबी के लिए। एक बड़ी अजीब सी बात है कि आर्टिस्ट पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जाते, और हमेशा हर मेथोडिकल एक्टर जो है वो कामयाब भी नहीं होता। बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी भर बाहर काम करते रहे, थिएटर्स में करते रहे, यहाँ पे वो हमारे सामने हैं लेकिन उनकी वो सक्सेस उस लेवल की नहीं है। तो ये किस्मत की बात भी होती है और नियत की बात भी होती है और टैलेंट की बात तो होती ही है। मैंने उनके साथ ये हसीना मोइन साहिबा के किसी खेल में काम नहीं किया, क्योंकि इत्तेफाक से मुझे मौका नहीं मिला, मैं थी भी यहाँ नहीं, मैं कराची आई 80s में, तब तक वो और ये बहुत सारे काम हो चुके थे। लेकिन जमशेद के साथ मैंने कुछ खेलों में काम किया, स्टेज पे एक दो प्लेस किए, कासिम जलाली साहब के प्लेस में काम किया और बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा, लेकिन बहुत प्यारा सा माहौल होता था और बहुत एक बस एक आदमी जिसका आपके ऊपर कोई बोझ ना हो, कोई प्रेशर ना हो, एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ कुलीग के साथ काम करने में आप बहुत रिलैक्स रहते हैं। मैम ये बताइए कि कोई आपको ऐसा वाकया याद है जिनसे जिसको सुन के हमारी आज की जनरेशन आने वाले लोग जमशेद अंसारी साहब की शख्सियत को खाका खेल सके कि अच्छा दिस वाज द काइंड ऑफ मैन ही वाज, यू नो, एक कोई ऐसा वाकया आपको उनकी गुफ्तगु रही हो कोई? देखिए कोई वाकया तो मैं नहीं बता सकूंगी स्पेसिफिकली, लेकिन ओवरऑल एक आदमी की पर्सनैलिटी जैसी नज़र आती है, आप वो एक अहमक नज़र आते थे वो अपने कैरेक्टर्स में, लेकिन वो बहुत समझदार आदमी थे, बड़े सुलझे हुए थे, लेकिन वो सुलझे हुए समझदार आदमी थे, लेकिन वो चालाक आदमी नहीं थे, मासूम भी थे एट द सेम टाइम। सो एक इंसान के अंदर बहुत सारी डायमेंशन होती हैं,
जमशेद बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बड़े बड़े दावे नहीं करते थे, बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं बोलते थे। इंग्लैंड में भी रहे हुए हैं, वहाँ पे भी काम किया हुआ है, यहाँ बिजनेस किए मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा ये, मैं ये समझता हूँ या मुझे ये पता है, ऐसी कोई चीज़ जमशेद में बनावट टाइप की चीज़ ही नहीं थी। तो एक लफ्ज़ बहुत है उनके लिए, प्योर एंड सिंपल।